सारे के सारे साथियों को नमस्कार शुभम जीतन नीरज चंदेल गोल्ड माइंस रबीना गरीब धौलपुर वेरी गुड शिवानी सेंगर ज्योति सरिता प्रशांत पूजा पैरासीटामोल ऋतु आर्या ललित वीरेंद्र डिंपल, विनीता कमल चले तो सारे के सारे साथियों को नमस्कार गुड इवनिंग कैसे हैं सभी पूरी उम्मीद की सारे के सारे साथी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और पढ़ाई का भरपूर आनंद ले रहे होंगे बोले तो शायद सारे के सारे साथियों की दिल की धड़कन पार कर चुकी होगी नब्बे पिचानवे सौ को जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है एग्जाम दिमाग में थोड़ी बहुत ब्लॉकेज भी आ रही होगी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि शायद सारा कुछ भूल रहा हूँ अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए अब मैं ये पढ़ लूं क्या ये सारा कुछ एक साथ पढ़ा जाए तो शायद तनाव भरा माहौल भी चल रहा होगा बिल्कुल खिलौनी प्रवीण राजवीर रवि गजेंदर सरिता चलें सारे के सारे साथियों को गुड इवनिंग तो ये रण की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है आगाज युग बदलने की तैयारी बिल्कुल चलें बहुत वेट करना पड़ा बेटा वेट नहीं क्लास का टाइम साढ़े सात बजे था साढ़े सात बजे से क्लास थी आपने सात बजे गलत क्लिक किया होगा चलें बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत हो चुका आखिर कब तक चलें तो मीनिंग यह है कि लास्ट का दस दिन बड़े क्रूशियल है बहुत टेंशन हो रही है सर बिल्कुल बेटा टेंशन होना वाजिब है बहुत बड़ा एग्जाम है बट बहुत बड़े एग्जाम में लास्ट के दस दिनों में कूल रहने का प्रयास करना है आप साथियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि सारे के सारे विजेता हो आने वाले भविष्य में मंजिल मिलेगी कि मंजिल मिल ही जाएगी तुम्हें डरते डरते ही सही मंजिल मिल ही जाएगी तुम्हें डरते डरते ही सही अरे गुमराह तो वो है जो अब तक घर से निकले ही नहीं तो आप सारे के सारे साथियों को मंजिल मिलेगी लास्ट के दस दिन अपने आप को कूल रखना है सब कुछ आपको आता है सारे क्वेश्चन आपको आते हैं अभी जो लगातार पढ़ रहे हैं उसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपको हर एक क्वेश्चन जो फेसबुक व्हाट्सअप कहीं से भी मिल रहा होगा आपको क्लिक कर रहा होगा कि यार ये तो क्वेश्चन आने ही वाला है बस जैसे कि नोट सेट में छप गया अब ऐसा समय नहीं है कोई नई चीज आपके सामने प्रस्तुत हो तो नई चीज को भूल जाओ यूं मान लो कि वो नहीं आएगा और बाई चांस आ भी गया तो 20 क्वेश्चन छोड़ के भी तो आने हैं 200 सौ बटे दो, दो थोड़ी करने हैं 160 सौ के समथिंग करके आओगे तो भी सलेक्शन मिल जाएगा तो इसलिए निराश ना हो परेशान ना हो हर्ट बीट को ना बढ़ाएं नींद पूरी करते रहें अच्छा खाते रहें अच्छा खाएंगे पूरा सोएंगे तभी जाकर पढ़ाई कारगर होगी लास्ट के दस दिन बिल्कुल क्रूशियल हैं बट जो शॉर्ट चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस करें चलें अब अब अपन अपने, अपने मिशन की तरफ चलते हैं एक छोटा सा प्रयास है आप साथियों के लिए वैसे तो पूरे अस्सी घंटे का मैटर है अस्सी घंटे का मैटर आप सोचें कि एक दो दिन में हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है फिर भी फिर भी एक छोटा सा ऐसा प्रयास है जो क्वेश्चन बार बार आते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बीस क्वेश्चन पच्चीस क्वेश्चन में साइकेट्रिक का वेटेज है और अपन ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो अपन को हवा ही नहीं लगे उससे बेटर है छोटा सा प्रयास किया जाए जिसमें से कुछ ना कुछ आपको पता हो बोले तो 25 में से 15-20 के समथिंग आप पहुंच जाए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास पूरी की पूरी साइकेट्रिक को रिवाइज कराने का जो एक क्लास में हो सकती है दो क्लास में हो सकती है तीन क्लास में हो सकती है उस प्रयास को अपन शुरू करते हैं यहां अब अपन क्वेश्चन सेशन नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन सेशन का मतलब होता है बहुत ही कम मैटर आपको मिलना चूंकि एग्जाम का टाइम है तो अपन ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जो पॉइंट पॉइंट टू है या गोल्डन पॉइंट है साइकेट्रिक के वो आपको बताए जाए चले विलेन बोल रहे हैं हारने वालों का भी एक रुतबा होता है मलाल वो करे जो दौड़ में शामिल नहीं है बिल्कुल बेटा आप सारे के सारे दौड़ में शामिल हैं और मंजिल आपको निश्चित तौर पर मिलेगी चले स्टार्ट करते हैं अपन आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग से संबंधित कुछ गोल्डन पॉइंट शुरुआत की जाए सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में कुछ नाम आते हैं इन नामों पर कॉमनली क्वेश्चन आते हैं ये सारी की सारी पीडीएफ जिस दिन साइकेट्रिक बुस्टर क्लासें खत्म हो जाएगी उस पर्टिकुलर क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी अभी केवल ध्यान देना है इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के साथ में कुछ समझाऊंगा अभी जो आपको पूरे ध्यान पूर्वक फोकस पूर्वक पढ़ना है ताकि उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो लॉजिक लगा के वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए तो ये तो कुछ पर्टिकुलर नाम है जो आपको का त्यों याद रखने हैं इनमें है सबसे पहले ईसीटी की खोज किसके द्वारा की गई आंसर है यूगोसेलेटी और ल्यूसिनो बिनी के द्वारा उन्नीस में खोज हुई सबसे पहली एंटीसाइकोटिक दवाई का नाम है क्लोरप्रोमेजिन सारे आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होने रिपीट होने वाले क्वेश्चन है फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स का तमगा किसको मिला हुआ है आंसर है लिंडा रिचार्ड को मिला हुआ है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इसके अंदर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सल है एक दो बार क्वेश्चन आया है परंतु क्वेश्चन का आंसर गया है क्वेश्चन का आंसर गया है सिगमंड फ्राइड क्योंकि ऑप्शन में विलियम वुड्स नहीं था परंतु ध्यान रखने वाली बात यदि ऑप्शन के अंदर विलियम वुड्स आए और क्वेश्चन आए फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी तो आंसर आपको विलियम वुड्स देना है अगर ये नहीं आए तो आंसर सिगमंड जाएगा यदि क्वेश्चन आता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री देन गो फॉर द फाइनल तो कुछ पर्टिकुलर नाम है इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर ईयर है जो आपको याद रखने, रखने हैं इनमें समझने वाला कोई बिंदु नहीं है इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट इससे पहले इंडियन ल्यूनेसी एक्ट था ये आया हुआ क्वेश्चन है 22 मई 1987 को आया मानसिक रोगियों के पर्टिकुलर लीगल जो भी एक्शन होते हैं उनसे संबंधित उनके ट्रीटमेंट से संबंधित जो कानून बनाया गया वो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट था जो 22 मई 1987 को आया अभी लेटेस्ट की अपन बात करें जो आ सकता है मे बी पॉसिबल है इसमें परिवर्तन कर दिया इसको मॉडिफाई करके बना दिया है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट या मेंटल हेल्थ केयर बिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी पांच साल पहले पारित हुआ है जिसकी डेट है सात अप्रैल दो हजार सत्रह अप्रैल दो एन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था उन्नीस में एक नई चीज और लेटेस्ट जानकारी डब्ल्यू के द्वारा सारी बीमारियों का क्लासिफिकेशन है ICD-10 टेन जिसमें अब परिवर्तन कर दिया है जिसकी जगह ICD-11 इलेवन आ गया है ICD-11 इलेवन आ गया है जो 25 मई 2019 को लॉन्च कर दिया था डेट घोषित हो गई थी परंतु जो वर्तमान के बुक्स हैं उनमें यह इफेक्टिव हुआ है इसी साल बोले तो एक जनवरी 2022 से इफेक्टिव हुआ है अब जो आपका क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा आईसीडी 11 के अनुसार क्योंकि अब लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन है वो आई 11 के अनुसार होगा तो आई 11 इफेक्ट uh, में आया एक जनवरी 2022 से बाकी लॉन्च करने वाली डेट है पच्चीस मई दो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जी में हा गुड बेटा आया होगा मे बी पॉसिबल कब आया था तो आंसर आपको देना है दस अक्टूबर इज दैट क्लियर चले अब अपन साइकेट्रिक की बीमारियों के बारे में बात करते हैं पर साइकेट्रिक की बीमारियों से पहले अपन डिस्कस करें साइकेट्रिक में नॉर्मल साइकेट्रिक क्या होती है तो नॉर्मल साइकेट्रिक का मीनिंग होता है नॉर्मल माइंड किसी भी इंसान के माइंड की स्टडी करना साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड इज नॉन एज द साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी अपन थोड़ा सा रफ नॉलेज ले लेते हैं साइकोलॉजी के बारे में उसके बाद साइकेट्रिक के डिसऑर्डर को अपन डील करें उसके बाद अपन साइकेट्रिक के डिसऑर्डर को डील करें तो यहां डिस्कस करें अपन सम टेक्निकल इशू इज देयर अपन डिस्कस करें साइकोलॉजी व्हाट इज द साइकोलॉजी साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंड अपना जो नर्वस सिस्टम होता है इस नर्वस सिस्टम का फंक्शनल पार्ट जिसमें अपनी थॉट होती है मेमोरी होती है इमोशन होते हैं कंसंट्रेशन होती है अटेंशन होती है ये सारे के सारे पार्ट मिलकर साइकोलॉजी या माइंड का निर्माण करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या नर्वस सिस्टम का फंक्शनल पार्ट कहलाता है माइंड तो जो साइकोलॉजी है जैसा आप सभी साथियों को पता है फर्स्ट ईयर में अध्ययन करते हैं तो फर्स्ट ईयर में अध्ययन करते हैं अपन नॉर्मल माइंड का और सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में पढ़ते हैं एबनॉर्मल माइंड तो एबनॉर्मल माइंड के अंदर आते हैं मानसिक रोग मानसिक रोग आपको पढ़ाए जाए उससे पहले नॉर्मल साइकोलॉजी का अध्ययन कर लिया जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड अब जो ये अपना पर्टिकुलर माइंड होता है इस माइंड के कई सारे पार्ट होते हैं माइंड के कंपोनेंट होते हैं इन कंपोनेंट को सीखना जरूरी है यहां पर कुछ टाइम लूंगा मैं माइंड का मतलब होता है फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इस माइंड के अंदर कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट आते हैं उन कंपोनेंट का नाम और डिस्क्रिप्शन इस तरीके से है कंपोनेंट के अंतर्गत आता है कॉन्सियसनेस कंपोनेंट के अंदर आता है कॉन्सियसनेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सियसनेस इसका मतलब होता है आपको टाइम प्लेस पर्सन के बारे में जानकारी होना स्वयं के बारे में जानकारी होना इट मीनस यू आर फुल्ली कॉन्सियस यू आर फुल्ली कॉन्सियस कॉन्शियसनेस का मीनिंग है किसी भी इंसान को टाइम प्लेस पर्सन के बारे में जानकारी है उसके अलावा स्वयं के बारे में जानकारी है इसको कॉन्शियसनेस कहा जाता है आपके माइंड के द्वारा जो भी थॉट प्रोसेस चलता है वो आपको इनिशिएट करता है एक्टिविटी करने के लिए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को अपन नाम देते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को नाम देते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी साइकोमोटर एक्टिविटी बोले तो मोटार रेस्पोंड ऑफ ह्यूमन बॉडी मोटार रेस्पोंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज साइकोमोटर एक्टिविटी माइंड के कंपोनेंट आपको बता रहा हूं नेक्स्ट वर्ड है परसेप्शन देखें यहां पर थोड़ा सा जल्दी चलेंगे अपन उसका जनरल सा कारण है कि अपन को गोल्डन पॉइंट डील करने हैं गोल्डन पॉइंट के साथ साथ अपन काफी सारी थ्योटिकल बातें भी करेंगे तो थोड़ा सा फास्ट अपन को चलना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट है परसेप्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन एग्जैक्ट जाने आप किसी भी इंसान के सेंस ऑर्गन के द्वारा इस दुनिया में जो कुछ भी महसूस किया जाता है वह है उसका परसेप्शन कहलाता है अब आप और मैं अपने सेंस ऑर्गन से इस दुनिया में जो कुछ भी महसूस करते हैं वो अपना परसेप्शन है फॉर एग्जाम्पल आंखों से आप देख रहे हैं दैट इज यूर विजुअल परसेप्शन कानों से सुन रहे हैं दैट इज यूर ऑडिटरी परसेप्शन स्किन से जो टच का आभास होता है यह टेक्टाइल कहलाता है टंग से जो टेस्ट आप महसूस करते हैं यह है गस्टेटरी कहलाता है और नोज से जो स्मेल लेते हैं यह ऑल है फैक्ट्री कहलाता है तो पांच सेंस ऑर्गन है तो सेंस ऑर्गन से इस दुनिया में जो कुछ भी आप महसूस करते हैं वह आपका परसेप्शन कहलाता है अब इन पर्टिकुलर कंपोनेंट के कुछ डिसऑर्डर होते हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट के कुछ डिसऑर्डर होते हैं सारे के सारे पढ़ाया जाना यहां पर पॉसिबल नहीं है कुछ एक हैं जिनको मैं यहां पढ़ा के और उन डिसऑर्डर का नाम आपको बता देता हूं देखिए डिस्कस कर रहे हैं मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूं आपके माइंड का साइंटिफिक अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है साइकोलॉजी में माइंड का अध्ययन करते हैं तो माइंड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं वहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ माइंड में अपन चलें. देखें दीज आर कंपोनेंट ऑफ माइंड दीज आर द कंपोनेंट ऑफ माइंड यहां गौर करें पहला कंपोनेंट मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सियसनेस अब आप साथियों से कहूंगा क्या आप सभी कॉन्सियस हैं आप बोलेंगे यस सर कैसे कॉन्शियस है उसका आंसर है आपको टाइम प्लेस पर्सन के बारे में जानकारी है स्वयं के बारे में जानकारी है इट मीन्स यू आर फुल्ली कॉन्शियस इस कॉन्शियसनेस में कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है कॉन्शियसनेस में गड़बड़ी होना कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर बन जाता है ये जो इधर लिखे हुए हैं कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर है अब बता रहा हूं यहां पर होने को तो बहुत सारे हैं बट जो पिन पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को यहां डिस्कस करेंगे तो कॉन्सियसनेस के डिसऑर्डर में एक तो नाम आता है स्टूपर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टूपर वह इंसान जिसकी एक्टिविटी और मूवमेंट मिनिमम लेवल तक कम हो जाता है इसको सिंपली याद रखने का तरीका डबल एम से याद रख लेना म्यूट एंड मोशन लेस पर्सन का म्यूट एंड मोशन लेस हो जाना स्पीच भी कम हो जाता है एक्टिविटी भी कम हो जाती है यह स्टूपर कहलाता है ब्रेन फॉग डेवलप हो जाना या कॉन्सियसनेस का क्लाउडेड हो जाना ब्रेन फॉग डेवलप हो जाना या कॉन्सियसनेस का क्लाउडेड हो जाना इसको अपन बोलते हैं क्लाउडेड कॉन्शियसनेस इस अवस्था में इंसान को क्लियर माइंडेडनेस नहीं होती है दैट इज द क्लाउडेड कॉन्शियसनेस आपके एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं डिलीरियम में कौन सा डोमिनेंट फीचर देखने को मिलेगा यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है आंसर है क्लाउडेड कॉन्शियसनेस दो क्वेश्चन है यहाँ पर डिलीरियम में क्या देखने को मिलेगा आंसर है क्लाउडेड कॉन्सियसनेस दूसरा डिलीरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ तो आंसर आएगा कॉन्शियसनेस दो एग्जाम के क्वेश्चन ले लीजिए डिलीरियम में क्या देखने को मिलेगा क्लाउडेड कॉन्शियसनेस डिलीरियम माइंड के कौन से कंपोनेंट का डिसऑर्डर है आंसर है कॉन्सियसनेस का डिसऑर्डर नेक्स्ट वर्ड है साइकोमोटार एक्टिविटी साइकोमोटार एक्टिविटी का मतलब जो एक्शन आप परफॉर्म करते हैं वह साइकोमोटार है एक्टिविटी कहलाता है इस साइकोमोटार एक्टिविटी में भी कुछ पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल या एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हो जाती है फॉर एग्जाम्पल के लिए कैटेलैप्सी रिजिड पोस्चर धारण कर लेना एक जैसे पोस्चर को बार बार धारण करना कैटलेप्सी कहलाता है कोई पर्टिकुलर मरीज है जो एक जैसा पोस्चर बार बार धारण कर रहा है दैट इज द केटेलैप्सी जो डेवलप होता है सीजोफ्रेनिया जो डेवलप होता है सीजोफ्रेनिया में आगे इन पर भी डिस्कस करेंगे आपने मरीज से पूछा खाना खा लिया क्या भैया मरीज भी बोलता है खाना खा लिया क्या भैया आपके सेम शब्दों को मरीज के द्वारा रिपीट किया जाना यह कहलाता है इको ले लिया आपने मरीज से पूछा खाना खा लिया क्या और वो भी इसी तरह का एक्शन करे खाना खा लिया क्या इसका मतलब सेम एक्शन को रिपीट करना यह कहलाता है इकोप्रेक्सिया सेम वर्डो को रिपीट करना इको ले लिया सेम एक्शन को रिपीट करना इको प्रेक्सिया बार बार की जाने वाली एक जैसी एक्टिविटी जैसे मुझे विचार आता है कि मेरा हाथ कहीं भी टच हो जाए तो हाथ गंदा हो गया मैं एक बार हाथ धोऊं दो बार धोऊं साबुन से तीन बार दस बार पंद्रह बार बीस बार तो बार बार मैं हाथ धोता हूं जो सामने मुझे कोई देख रहा है उसको लगता है भैया खिसक गया है क्या क्या समस्या है क्यों ऐसा बार बार कर रहा है तो बार बार दोहराई जाने वाली एक्टिविटी कहलाती है कंपल्सन दीज ऑल आर द डिसऑर्डर ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी फिर से जाने साइकोमोटर आपके एक्शन साइकोमोटर एक्टिविटी है साइकोमोटर एक्टिविटी में एक जैसी पोजीशन को बार बार धारण करना कैटेलेप्सी सामने वाले को उसके शब्दों का रिपीटेशन इको ले लिया सामने वाले के एक्शन का रिपीटेशन इको और एक जैसी एक्टिविटी को दोहराना जो देखने वालों को खराब लगे वो कहलाती है कैटो कंपल्स आगे बढ़े लिखा हुआ है परसेप्शन आपके सेंस ऑर्गन परसेप्शन नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए सेंस और्गन, सेंस ऑर्गन ऑर्गन से जो कुछ भी महसूस करते हैं वो आपका परसेप्शन है यदि कुछ भी नहीं है फिर भी आप कुछ महसूस कर रहे हैं दैट इज नॉन एज हेलुसिनेशन और कुछ है तो सही पर आप उसको गलत महसूस कर रहे हैं दैट इज नॉन एज इल्यूजन परसेप्शन के दो डिसऑर्डर होते हैं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक होता है हेलुसिनेशन और दूसरा होता है इल्यूजन देखें ध्यान रहे हेलुसिनेशन का मतलब है हेलुसिनेशन में एक्चुअल स्टिमुलस हमेशा एब्सेंट होगा इल्यूजन में हमेशा प्रेजेंट होगा साइकेट्रिक के सबसे बड़े सिम्टम है ध्यान रहे यहां वर्ड लिखा हुआ है परसेप्शन सेवन स्टार क्वेश्चन मान ले परसेप्शन के दो डिसऑर्डर होते हैं हेलुसिनेशन और इल्यूजन बहुत सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल यदि रस्सी पड़ी है उसको सांप समझना ये इल्यूजन कहलाता है रस्सी को सांप समझना इल्यूजन लास्ट नोर सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि वेंटिलेटर का साउंड आ रहा है और मरीज को लगता है कोई सीढ़ियों से उतर रहा है यह कौन सा फिनोमिना होगा हेलुसिनेशन इल्यूजन दोनों ऑप्शन में थे आंसर इज इल्यूजन साउंड आ रहा है वेंटिलेटर का उसको लग रहा है सीढ़ियों से उतर रहा है साउंड है तो सही साउंड है तो सही पर कंडीशन क्या है उसको दूसरे वे में परसीव कर रहा है जैसे रस्सी को सांप समझना दैट इज द इल्यूजन कुछ भी नहीं है फिर भी महसूस होना हेलुसिनेशन कहलाएगा परफेक्ट एग्जांपल आप सारे के सारे साथियों ने पिक्चर देखी हुई है लगे रहो मुन्ना भाई संजय दत्त को पूरी पिक्चर में गांधी जी दिखे गांधी जी सुने जबकि गांधी जी नहीं थे उनको दिखे और सुने व्हाट इज दिस दैट वॉज द हेलुसिनेशन कौन कौन सा हेलुसिनेशन था कौन कौन सा हेलुसिनेशन था ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी था और विजुअल हेलुसिनेशन भी था विजुअल का मतलब भूत प्रेत दिखना कोई मरा हुआ इंसान दिखना किसी भी तरह की परछाई दिखना जबकि वास्तविकता में नहीं है इट मीन्स हेलुसिनेशन अकेला बैठा हुआ है कानों में किसी भी तरह की आवाजें आ रही है जबकि बिल्कुल भी साउंड नहीं है दैट इज ऑल्सो द हेलुसिनेशन एक होगा विजुअल हेलुसिनेशन दूसरा होगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन तो लगे रहो मुन्ना भाई में जो संजय दत्त को हुआ था वो क्या था हेलुसिनेशन ध्यान रहे सबसे बड़े फीचर हैं दे आर औ, दे सिम्टम ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन आगे बढ़े अगला वर्ड लिखा हुआ है थॉट वाट आर थॉट दे आर द आइडिया वाट आर थॉट दे आर द आइडिया आइडिया जो आते हैं वो थॉट कहलाते हैं अब बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है इसके फॉर्मेशन का यह फॉर्मेशन लेवल पे जाता है प्रोग्रेशन लेवल पे जाता है कंटेंट लेवल पे जाता है आप सिंपल याद रखें मन में आने वाले विचार आइडियाज क्या कहलाते हैं थॉट थॉट के कुछ डिसऑर्डर सामने लिखे हुए हैं ऑटिज्म ऑटिज्म का मतलब होता है इंसान की स्वयं की दुनिया होती है बहुत कम रेस्पोंडिव होता है सोशली विड्रॉल हो जाता है आसपास के पैरी में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है इस तरह के जो कैंडिडेट हैं उसको कहते हैं ऑटिज्म यह कंडीशन सीजोफ्रेनिया में भी डेवलप हो जाती है आगे अपन डिस्कस करेंगे सीजोफ्रेनिया में इसका नाम नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्लाइट ऑफ आइडिया पेशेंट सामने बैठा हुआ है उससे पूछ रहे हैं अपने बारे में बताओ और वह सीरीज से बताना स्टार्ट कर देता है सीरीज स्टार्ट कर देता है मेरा नाम यह है पिताजी का नाम यह है पिताजी वहाँ काम करते थे उसके बाद भैया काम करने लगे एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर बहुत जल्दी से शिफ्ट होना तो आइडिया फ्लाइट कर रहे हैं इसको अपन बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडिया आपने मरीज से पूछा सुबह ग्यारह बजे की भैया आज सुबह कितने बजे जगे थे मरीज ने आपको कल से स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया मैं कल सुबह किया दोपहर में यह किया शाम को यह किया रात को इतने बजे सो यार आज सुबह दस बजे जागा हूं या आठ बजे जागा हूं इसका मतलब आपने क्वेश्चन पूछा आप कब जगे थे सीधा सा आंसर था कि मैं सुबह आठ बजे दस बजे जागा हूं उसने घुमा फिरा बात की पर लास्ट में आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर मिलना दैट इज द मिलनाजेंटी नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ऑफ ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन का मतलब थॉट के आइडियाज को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देता है मेरा नाम मुकेश है मरीज बोलता है आसमान का रंग नीला है मैं आज पिक्चर नहीं देखूंगा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा ये देखो टेबल कितनी गंदी हो रखी है जो पांच सेंटेंस बोले हैं ये अलग अलग हैं जिनमें बीच में किसी भी तरह का कनेक्टिव कनेक्शन नहीं है ज द लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्ड नेक्स्ट अपन बात करें टेंजेंशियलिटी दैट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट देखो सरकमशियलिटी में मैंने बोला था आप मरीज से पूछते हैं सुबह कब जागे घुमा फिरा कर आपको आंसर दिया यहां भी मरीज आपको बताएगा आपने क्वेश्चन पूछा है तुम आज सुबह कब जागे थे वह बताना चालू करेगा कल दोपहर में मैंने ये खाया शाम को चार बजे मुझे चाय नहीं मिली रात को नौ बजे ये हुआ रात को साढ़े बजे मैं खा गया अब मैं तुमसे बात नहीं करता चलो यहां से घुमा फिरा कर बहुत सारी बातें की बट लास्ट में आपने जो पूछा था उसका आंसर नहीं मिला देखें क्वेश्चन इस तरीके से आता है ऐसा कौन सा थॉट का फिनोमिना है जिसके अंतर्गत मरीज लास्ट में टारगेट आंसर तक पहुंच जाता है आंसर है सरकम थॉट का वह डिसऑर्डर जिसके अंदर घुमा फिराकर बातें करता है परंतु टारगेट आंसर तक नहीं पहुंचता दैट इज द टेंजेंशियलिटी इज दैट क्लियर तो दीज आर द डिसऑर्डर ऑफ थॉट दीज आर डिसऑर्डर ऑफ थॉट अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है देखो एक तो ये वर्ड दिमाग में छाप लो लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त को क्या हुआ था हेलुसिनेशन किसका डिसऑर्डर है परसेप्शन का रस्सी को सांप समझना क्या कहलाएगा इल्यूज़न इल्यूज़न में एक्चुअल स्टीमुलस हमेशा प्रेजेंट होगा हेलुसिनेशन में एक्चुअल स्टिमुलस हमेशा एबसेंट होगा इज दैट क्लियर नेक्स्ट अपन बात करें डिलूजन दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट वर्ड यहीं से इसको दिमाग में बिठा लो वाट इज द डिलूजन है इट इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट व्हाट इज द डिलूजन इट इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट यहां बात करें व्हाट इज द डिलूजन इट इज ए फॉल्स फिक्स बिलीफ इट इज ए फॉल्स फिक्स बिलीफ इस पर मैं दो मिनट लेना चाहूंगा इसका जनरल सा मतलब होता है सबसे पहली बात तो इंसान के दिमाग में जो विचार फिक्स होता है वो गलत होता है और गलत होने के साथ साथ वह फिक्स और हो जाता है यानी गलत है और फिक्स हो गया फिक्स होने का मतलब है दुनिया की कोई भी ताकत अब उसको चेंज नहीं कर सकती चेंज कराना है तो ईसीटी लगानी पड़ेगी या फिर आपको दवाइयां देनी पड़ेगी आपको मुझे भी गलत फहमी होती है गलत विश्वास डेवलप हो जाता है बट जब कोई जस्टिफाई करता है तो अपन मान लेते हैं कि हाँ यार ठीक है यहां पर यह जो डिलूजन होता है इसमें पर्सन का विश्वास अटल होता है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रतिज्ञा अनसेबल होता है तो फॉल्स फिक्स बिलीफ इज नॉन एज डिलूजन डिलूजन किसका डिसऑर्डर है थॉट का हेलुसिनेशन किसका डिसऑर्डर है परसेप्शन का अभी इसी पर्टिकुलर डिलूजन की बात करें तो बहुत सारे तरह के डिलूजन होते हैं एक होता है गौर से सुनना इसको डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन परसिक्यूशन का मतलब होता है गलत विश्वास मरीज को हमेशा ऐसा लगना कि मेरा परिवार वाले मुझे हार्म पहुंचाना चाहते हैं पड़ोसी मुझे हार्म पहुंचाना चाहते हैं दुनिया मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है सारे मेरे खिलाफ हैं सारे लोग मेरे खिलाफ हैं मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं दैट इज द डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन दैट इज द डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन एक डिलूजन होता है डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी एक होता है डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी का मतलब है आई एम किंग ऑफ वर्ल्ड आई एम ए वेरी फेमस पर्सन वोल वर्ल्ड बिहाइंड मी सब मेरा कहना मानते हैं मेरे पास स्पेशल शक्तियां हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं आप सारी चीजों में से ये दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखें एक तो डिलूजन थॉट का डिसऑर्डर है डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन यह सीजोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा आगे भी पढ़ाऊंगा इसको में देखने को मिलेगा डिलूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी देखने को मिलेगा मेनिया मेनिया वाले मरीज को लगता है आई एम द किंग ऑफ वर्ल्ड मैं पावरफुल हूं मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं आई कैन डू एनीथिंग इस तरह का विश्वास डेवलप हो जाता है अब आप खुद बताओ यह विश्वास एक तो गलत है साथ में फिक्स भी हो गया और फॉल्स फिक्स बिलीफ को क्या बोलेंगे अपन डिलूजन इज दैट क्लियर तो ये हो गए डिसऑर्डर ऑफ थॉट डिसऑर्डर ऑफ थॉट नेक्स्ट अपन बात करें इमोशन मूड और अफेक्ट देखें आपकी मेरी जो इनर फीलिंग होती है जो आप और मैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से अपने बॉडी के लैंग्वेज से अपने टोन वॉल्यूम प्रेशर से दर्शाते हैं वह इमोशन कहलाता है इमोशन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं मूड और अफेक्ट तो कहीं भी ये वर्ड आए अभी के लिए चूंकि शॉर्ट टाइम है इनका मतलब एक है इमोशन मूड अफेक्ट आपकी फीलिंग को दर्शाने का तरीका कहलाता है इमोशन मूड और अफेक्ट इसके कुछ पर्टिकुलर डिसऑर्डर होते हैं जैसे मेनिया मेनिया वाले इंसान में इंसान का मूड एलिवेटेड हो जाता है नेक्स्ट अपन बात करें डिप्रेशन डिप्रेशन वाले में इंसान सैडनेस में चला जाता है तो मूड एलिवेट हो जाएगा किसमें मेनिया में सैडनेस में. में चला जाएगा किसमें डिप्रेशन में आपके मेरे जो इमोशन है इमोशन की इंटेंसिटी का कम हो जाना फॉर एग्जाम्पल के लिए चाकू है चाकू की धार या शार्पनेस कम हो जाए तो वो ब्लंट हो गया ऐसे ही इमोशन का कम हो जाना ये कहलाता है ब्लंट इमोशन का बहुत ज्यादा कम हो जाना लगभग खत्म हो जाना ये कहलाता है फ्लैट इमोशन का कम हो जाना ब्लंट कहलाएगा लगभग खत्म हो जाना फ्लैट कहलाएगा विशेष तौर से ध्यान रखना है इमोशन मूड या अफेक्ट के दो डिसऑर्डर होते हैं आंसर है मेनिया और डिप्रेशन इज दैट क्लियर लास्ट में चले मेमोरी व्हाट इज द मेमोरी याद रखने की क्षमता मेमोरी कहलाती याद रखने की क्षमता मेमोरी कहलाती है अलग-अलग तरह की होती है मेमोरी यहां अपन डिस्कस कर रहे हैं कुछ नाम लिखे हुए हैं मेमोरी के डिसऑर्डर मेमोरी के डिसऑर्डर में एक नाम लिखा हुआ है रेट्रोग्रेड एमनेसिया रेट्रोग्रेड एमनेशिया एमनेशिया नाम से ही मालूम चल रहा है लॉस ऑफ मेमोरी मेमोरी का लॉस होना एमनेशिया कहलाता है बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल आपको दूं अपनी पुरानी पिक्चरें अपन देखते थे जहां इंटरवेल में हीरो के सर में चोट लगाई जाती थी और वह नदी में बह जाता था गांव वाले उसको बचा लेते थे बचाने के बाद गांव वाले उसको रखते होश में आता कि मैं तो सब कुछ भूल गया कुछ भी याद नहीं है नए नाम से नया जीवन शुरू कर देता सारी की सारी मेमोरी को भूल जाता था सर में चोट लगने के बाद या ट्रॉमा होने के बाद पुरानी सारी मेमोरी को भूल जाना यह कहलाता है रेट्रोग्रेड एमनेशिया फिर पुरानी पिक्चरों में ऐसा करते थे शायद बहुत सारी देखी होंगी आपने कि एंड जब होता था क्लाइमेक्स होता तो फिर से चोट लगती और सारा कुछ याद आ जाता अब ये केवल पिक्चरों में ही होता है रियल में हो भी सकता है बट सारा कुछ वापस से याद आ जाता था पुरानी पिक्चरों में जो एमनेशिया दिखाया था वो रिट्रोग्रेड एमनेशिया था एग्जाम्पल दूं आपको पिक्चर आई थी तुमको ना भूल पाएंगे एक पिक्चर आई थी जब तक है जान इसके अलावा पिक्चर आई थी हीना ये सारी की सारी पिक्चरों में जो एमनेशिया दिखाया था वो था रिट्रोग्रेड एमनेशिया एक बहुत स्पेशल पिक्चर बनी जिसका नाम था गजनी जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी कहा गया तो मुझे नहीं लगता किसी साथी ने वो पिक्चर छोड़ी होगी उस गजनी पिक्चर के अंदर जो एमनेशिया दिखाया गया था वो एंटीरोग्रेड एमनेशिया था गजनी पिक्चर में वह याद रख पाता है केवल दस मिनट के लिए दस मिनट के लिए याद रख पाता है उसके बाद फिर से मेमोराइज कराना पड़ता है कौन सा एमनेशिया होता है एंटीरोग्रेड तो पुरानी पिक्चरों में जो एमनेशिया था वो रिट्रोग्रेड गजनी में जो दिखाया वो एंटीरोग्रेड नेक्स्ट एक वर्ड लिखा हुआ है जो बार बार एग्जाम में आता है नाम है कॉन्फेबुलेशन नाम है कॉन्फेबुलेशन ध्यान रहे मान के चले मैं पिछले संडे को कहीं गया था अब मैं पूरी तरीके से भूल गया कि संडे को मैं पिछले संडे को कहां गया क्या हुआ था अब मेरे से कोई मेरा नॉन पूछ रहा है यार संडे को वहां गया था शादी में क्या हुआ अब मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है क्या हुआ कि हां हां गया तो था तो बताना वहां की बात अब मैं झूठी कहानियां बना के सुना रहा हूं इसका मतलब है मेरी मेमोरी में गैप आ चुका है मैं भूल चुका हूं पिछले संडे को मैंने क्या किया था तो झूठी कहानियां बनाकर सुनाना ये कॉन्फेबुलेशन कहलाता है मुझे एमनेसिया हो गया पिछले संडे वाला शेड्यूल मुझे याद नहीं है मेमोरी में गैप आ गया इस मेमोरी में गैप को भरने के लिए झूठी कहानियां बना के सुनाना ये कहलाता है कॉन्फेबुलेशन दैट इज ऑल्सो द डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है द पेशेंट फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन हिज मेमरी पेशेंट अपनी मेमोरी में आए हुए गैप को भरने के लिए झूठी कहानियां बनाकर सुनाए द क्लाइंट टेल्स द फॉल्स स्टोरी टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन इन हिज मेमोरी द कंडीशन इज नॉन एज कॉन्फेबुलेशन कई बार पूछा गया है दिमाग में बिठा लो कॉन्फेबुलेशन का मतलब मेमोरी में गैप आ गया उस गैप को भरने के लिए झूठी कहानियां बना के सुना रहा है दैट इज द देशन लास्ट नीचे लिखा हुआ है अटेंशन नीचे लिखा हुआ है अटेंशन आप सभी के साथियों का ध्यान मेरे शब्दों पर लगा हुआ है शायद ऐसा मेरा मानना है और साथ में मोबाइल पर लगा हुआ है चित्र भी देख रहे हैं दैट इज योर अटेंशन अब ये अटेंशन आने वाले आधे पौने घंटे जब तक क्लास चले बनी हुई रहे इट मीन यू आर फुल्ली कंसंट्रेट तो अपने सेंस ऑर्गन को या अपने फोकस को किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस पर लगाना अटेंशन कहलाता है यदि ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो वह डिस्ट्रैक्शन कहलाता है तो फोकस होने स्टिमुलस इज नॉन एज अटेंशन अगर यह फोकस नहीं रहे तो लैक ऑफ अटेंशन की कंडीशन कहलाएगी इसका एक मेजर डिसऑर्डर होता है जो बच्चों में होता है बीमारी का नाम है एडीएसटी बीमारी का नाम है एडीएसडी इसमें से भी क्वेश्चन आता है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूं बच्चा स्कूल से आया अपना बैग फेंक दिया फिर किसी पर्टिकुलर काम में लग गया उसके बाद मदर ने बुलाया खाना खा लो खाना खाया एक दो चपाती एक दो टुकड़े खाए फिर आ, कहीं चला गया क्रिकेट बैट उठा लिया फिर अपने होमवर्क पे आ गया अलग अलग तरह के दस पंद्रह कामों को कर रहा है फिर आप बैठ के समझाते हो कि बेटा समझो ऐसा करना ऐसा करना बट आप उसका ध्यान आपकी बातों पर है ही नहीं इस तरह के व्यवहार वाले बच्चों में जो डिसऑर्डर है उसको एडीएसडी बोलते हैं ए बोले तो अटेंशन डेफिसेट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर अटेंशन डेफिसेट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर अब यहां पर ये पर्टिकुलर बीमारी हो गई यदि आप बच्चों के साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगे तो इसका ट्रीटमेंट है और इसका ट्रीटमेंट है बच्चे की अटेंशन बढ़ा दो बच्चे की अटेंशन बढ़ा दो अटेंशन को बढ़ाने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टीमुलेट करना पड़ेगा बात को गहराई से समझना यहां नाम भले से लिखा हुआ हो हाइपर एक्टिव बट हाइपर एक्टिव इसलिए है कि अटेंशन कम है अटेंशन बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा तो अटेंशन को बढ़ाने वाली दवाई का नाम है सीएनएस स्टिमुलेंट अटेंशन को बढ़ाने वाली दवाई का नाम है सीएनएस स्टीमुलेंट सेंट्रल नर्वस स्टीमुलेंट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आंसर आंसर है है मिथाइल मिथाइल इस पर्टिकुलर कंडीशन में दवाई देते हैं अपन मिथाइल फेनीडेट ये जो पर्टिकुलर अटेंशन है देखे इसमें ध्यान कर लें अटेंशन की बीमारी है एडीएचडी एडीएचडी में दी जाने वाली दवाई बार बार पूछी जाती है सीएनएस स्टीमुलेंट पर्टिकुलर दवाई का नाम है मिथाइल फेनीडेट दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस गिवन टू ट्रीट द एडीएचडी फिर से जाने एक मिनट में बताऊं मैं आपको पढ़ा रहा हूं साइकोलॉजी साइकोलॉजी बोले तो माइंड साइकोलॉजी बोले तो माइंड माइंड के कुछ एक कंपोनेंट होते हैं कंपोनेंट आपके सामने लिखे हुए हैं कॉन्शियसनेस साइकोमोटर एक्टिविटी परसेप्शन थॉट इमोशन मूड अफेक्ट मेमोरी अटेंशन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ और भी होते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट होता है इनसाइड जिसको अभी अपन डिस्कस करेंगे इनमें कुछ चीजें तो दिमाग में छाप लेनी है पॉइंट नंबर वन लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त को क्या हुआ था हेलुसिनेशन किसका डिसऑर्डर है परसेप्शन का हेलुसिनेशन में एक्चुअल स्टिमुलस क्या होगा एब्सेंट होगा रस्सी को सांप समझना क्या कहलाता है इल्यूजन स्टीमुलस तो होगा परंतु उसकी गलत पहचान होगी नेक्स्ट अपन बात करें पर्टिकुलर इमोशन मूड और अफेक्ट में आता है मेनिया डिप्रेशन क्वेश्चन आता है मेनिया डिप्रेशन किसके डिसऑर्डर है मूड के अफेक्ट के डिसऑर्डर है नेक्स्ट आता है थॉट थॉट में एक बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है डिलूजन फॉल्स फिक्स बिलीफ डिलूजन कहलाता है डिलूजन और परसिक्यूशन का मतलब सारी दुनिया मेरे खिलाफ है मुझे हार्म पहुंचाना चाहती है जो सीजोफ्रेनिया में पाया जाता है डिलूजन ऑफ ग्रेंडोसिटी में दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति हूं यह पाया जाता है मेनिया वाले मरीज में तो यह तो पिन पॉइंट है जो आपको याद रखने याद रखने की क्षमता मेमोरी कहलाती है पुरानी पिक्चरों में जो एमनेशिया दिखाते थे पुरानी जिंदगी पूरी भूल गया वो रेट्रोग्रेड एमनेशिया था जब तक ये जान तुमको ना भूल पाएंगे हीना इन पिक्चरों में जो दिखाया था वो रेट्रोग्रेड था गजनी पिक्चर में दिखाया एंटीरोग्रेड मैं पिछला कुछ भूल गया हूं परंतु मैं अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए झूठी कहानियां बना के सुना रहा हूं दैट इज द तो ये पर्टिकुलर वर्ड है जिनमें आपको याद रखना है देखे कॉन्सियसनेस स्टूपर म्यूट मोशन लेस क्लाउडेड कॉन्शियसनेस किसमें देखने को मिलेगा डिलीरियम में डिलीरियम किसका डिसऑर्डर है कॉन्शियसनेस का एक जैसे पोस्टर को बार बार धारण करना कैटेलेप्सी कहलाता है सामने वाले के शब्दों का रिपीटेशन इकोलेलिया कहलाता है सामने वाले के

एक से दूसरे तीसरे चौथे आइडिया जिनके बीच में इंटरलिंक नहीं होता है दैट इज द लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन घुमा फिराकर बात करता है लास्ट में आंसर नहीं देता दैट इज द टेंजेंशियलिटी और फॉल्स फिक्स बिलीव दैट इज द डिलूजन मूड अफेक्ट और इमोशन इनके डिसऑर्डर हैं एलिवेशन हो जाना मेनिया सैडनेस में चले जाना डिप्रेशन इमोशन का कम हो जाना ब्लंट इमोशन का बहुत ज्यादा कम हो जाना कहलाता है फ्लैट मेमोरी के डिसऑर्डर हो गए अटेंशन में आप पूछा जाने वाला क्वेश्चन आप सभी का ध्यान मोबाइल पर मेरे शब्दों पर है दैट इज योर अटेंशन अटेंशन का इधर उधर भटक जाना एडीएचडी बच्चों में देखने को मिलता है दवाई देते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग ऑफ चॉइस है मिथाइल फेनीडेट दैट इज क्लियर नेक्स्ट अपन बात करें ये नॉर्मल साइकोलॉजी हो गई नेक्स्ट अपन बात करें मेंटल डिसऑर्डर तो मेंटल डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं एक होता है साइकोसिस एक होता है न्यूरोसिस मेंटल डिसऑर्डर दो तरह के हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस साइकोसिसती हैं उनमें मैक्सिमम के अंदर जो बीमारी है वह साइकोसिस होगी इसके अलावा माइनर मेंटल इलनेस जिनमें मरीज को खुद को पता होता है कि मुझे कोई मानसिक समस्या है वह है न्यूरोसिस कहलाता है। अच्छा मुझे मेरे मानसिक स्तर के बारे में पता है इसको बोलते हैं इनसाइट अगर मुझे मेरे मानसिक स्तर के बारे में पता है तो इंसाइट प्रेजेंट है और नहीं पता है तो इंसाइट एबसेंट दो तरह की मानसिक बीमारियां हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस साइकोसिस वालों में होती है जबकि न्यूरोसिस वालों में इंसाइट प्रेजेंट होती है और भी बहुत अंतर है आप खुद बताओ साइकोसिस का एक पर्टिकुलर इमेजिनेशन मैंने क्रिएट कर दिया मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती मरीज इसका मतलब वहां हेलुसिनेशन हो रहे हो रहा होगा डिलुजन भी उनमें प्रेजेंट होगा पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं रख सकते हैं अच्छा मेंटल हॉस्पिटल में मरीज भर्ती हैं तो ईसीटी भी लग रही होगी उसके अलावा वहां दवाई भी दे रहे होंगे तो ये पर्टिकुलर फीचर होते हैं साइकोसिस के के न्यूरोसिस का मतलब है फॉर लिए मुझे छोटी छोटी सी बातों से चिंता हो जाती है आई एम सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी न्यूरोसिस मैं डॉक्टर के पास जाता हूं वहां जाकर खुद अपनी समस्याएं बताता हूं इलाज लेके घर आ जाता हूं फिर मैं अपने जॉब पर भी चला जाता हूं व्हाट इज दिस मुझे इंसाइट है मुझे हेलुसिनेशन नहीं है मुझे डिलूजन भी नहीं है इट मीनस मैं दवाई लेके ठीक हो रहा हूं ईसीटी की जरूरत नहीं है दे आर द डिस ऑफ न्यूरोसिस दो तरह की बीमारियां जो मेंटल असाइलम में भरती हैं वो साइकोसिस जो नॉर्मल पर्सन खुद इनसाइट के द्वारा जाकर दवाई लेता है दैट आर द न्यूरोसिस तो दो तरह की मानसिक बीमारियां हैं देख लें क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर की अपन बात करें तो दो तरह की बीमारियां होती हैं दीज आर एंड न्यूरोसिस फिर से बता देता हूं यहां पर इंसाइट एबसेंट होती है यहां पर इंसाइट प्रेजेंट होती है इनका इलाज सामान्यतः भर्ती करके किया जाता है बिना भर्ती के इलाज हो जाता है यहाँ ई लगाते हैं दवाइयां देते हैं यहाँ दवाइयां देते हैं या साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ हेलुसिनेशन है डिलूजन दोनों पाए जाएंगे जबकि यहाँ पर हेलुसिनेशन और डिलूजन एबसेंट होता है इज दैट क्लियर नेक्स्ट अपन बात करें साइकोसिस साइकोसिस की बात कर रहे हैं साइकोसिस दो तरह का होता है साइकोसिस दो तरह का होता है आपके सामने लिखा हुआ है एक तो है ऑर्गेनिक और दूसरा है फंक्शनल ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब जैसा आप समझ रहे हैं ऑर्गेनिक मींस बॉडी में कोई पैथोलॉजी या ब्रेन में पैथोलॉजी की वजह से बॉडी या ब्रेन में पैथोलॉजी की वजह से पर्सन में मानसिक रोगों के सिम्टम डेवलप हो जाना इन पर्टिकुलर मरीजों के बॉडी के सारे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी गड़बड़ मिल जाए समझ लो साइकोसिस है मानसिक रोग है कौन सा वाला है ऑर्गेनिक यहां फंक्शनल का मतलब है यह प्योरली माइंड के डिसऑर्डर होते हैं पूरा इन्वेस्टिगेशन कराने पर कोई भी गड़बड़ देखने को नहीं मिलती तो जनरल सा मीनिंग है ये जो पर्टिकुलर मरीज हैं उनका इलाज तो न्यूरोलॉजी में या जनरल हॉस्पिटल में होगा सामान्यतः और इनका इलाज पूरी तरीके से मेंटल असाइलम में होगा तो दो तरह के साइकोसिस होते हैं ऑर्गेनिक का मतलब ब्रेन पैथोलॉजी या पैथोलॉजी मौजूद है और फंक्शनल का मतलब किसी भी तरह की पैथोलॉजी मौजूद नहीं है ऑर्गेनिक साइकोसिस फिर दो तरह के होते हैं डिलीरियम और डिमेंसिया डिलीरियम और डिमेंसिया तो ऑर्गेनिक साइकोसिस में अपन को पढ़ने हैं डिलीरियम और डिमेंसिया फंक्शनल साइकोसिस फिर दो तरह के होते हैं सीजोफ्रेनिया और मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर में आते हैं मेनिया और डिप्रेशन शायद सारे साथियों ने नर्सिंग जब पढ़ी थी तो मेनिया डिप्रेशन वाले चैप्टर का नाम ही था मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर मेनिया डिप्रेशन वाले चैप्टर का नाम था मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर तो मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर में आते हैं मेनिया और डिप्रेशन इधर अपन न्यूरोसिस में बात करें तो बीमारियां होती हैं एंजाइटी न्यूरोसिस देन फोबिया देन ओशियन देन हिस्टीरिया इज दैट क्लियर दैट आर द मेंटल डिसऑर्डर मेजर मेंटल डिसऑर्डर मानसिक रोग दो तरह के होते हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस साइकोसिस में इंसाइट एब्सेंट होगी जबकि न्यूरोसिस में प्रेजेंट होगी साइकोसिस दो तरह के होंगे ऑर्गेनिक और फंक्शनल ऑर्गेनिक फिर दो तरह के होंगे डिलीरियम और डिमेंसिया फंक्शनल के भी दो तरह के होंगे सीजोफ्रेनिया और मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर में दो बीमारियां आती हैं मेनिया और डिप्रेशन न्यूरोसिस में है एंजाइटी फोबिया ओसियन और एस्टीरिया अब ये बीमारियां अपन को पढ़नी है बोले सारा तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है परंतु इन बीमारियों में आने वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जो मैं आपको यहां सॉल्व कराना चाहूंगा तो सबसे पहले कौन सी बीमारी से शुरुआत होगी डिलीरियम फिर किसके क्वेश्चन पढ़ेंगे डिमेंशिया देन सीजोफ्रेनिया देन मेनिया डिप्रेशन उसके बाद अपन न्यूरोसिस पे आएंगे एंजाइटी फोबिया ओसियन और एस्टीरिया तो स्टार्ट करते हैं पहली मानसिक बीमारी और इसमें से बनने वाले क्वेश्चन दैट इज द डिलीरियम सुने आप डिलीरियम का मतलब है जनरल हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों में कुछ 15 से 25 परसेंट मरीज ऐसे होते हैं जिनमें क्लाउडेड कॉन्सियसनेस का एपिसोड आ जाता है कुछ दिनों के लिए आता है कुछ अवर्स के लिए आता है कुछ महीनों के लिए भी आ सकता है बट बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता जब इनमें क्लाउडेड कॉन्सियसनेस का एपिसोड आता है तो फिर इनको अपन एंटीसाइकोटिक दवाइयां देते हैं मरीज रिकवर कर जाता है रिवर्सिबल बीमारी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ क्लाउडेड कॉन्शियसनेस में गड़बड़ी हो गई यह पर्टिकुलर बीमारी डिलीरियम कहलाती डिलीरियम के दौरान इंसान को नहीं पता होता मैं कौन हूं मैं कहां हूं मैं क्या कर रहा हूं इधर उधर घूमता रहता है तो जब पर्सन डिलीरियस हो जाए उस दौरान उसको कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में अपन को रखना होता है तो डिलीरियम एक ऑर्गेनिक साइकोसिस है इसमें बनने वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है पहला क्वेश्चन किसका डिसऑर्डर है जो एग्जाम में आता है केवल क्वेश्चन डील करेंगे अपन आंसर है कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर कैसी हो जाती है कॉन्शियसनेस क्लाउडेड कॉन्शियसनेस हो जाती है नेक्स्ट है इसका एपिसोड अचानक से डेवलप होता है एक्यूट होता है यह है बीमारी रिवर्सिबल है मुश्किल से कुछ अवर्स कुछ दिन कुछ वीक कुछ मंथ या मैक्सिमम बोले तो छह महीने से कम समय में ठीक हो जाता है क्वेश्चन आता है डिलीरियम में कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा आंसर आंसर है है विजुअल विजुअल हेलुसिनेशन हेलुसिनेशन नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है साइकेट्रिक वार्ड में मरीज भर्ती है जिसको डिलीरियम डेवलप हो गया कंफ्यूजन में चला गया या क्लाउडेड कॉन्शियसनेस में चला गया तो नर्स का क्या रोल होगा लाइट को जलाकर रखे और उसको ऑब्जर्वेशन में रखें हल्का म्यूजिक चलने दे लाइट को बंद कर दे दूसरे नर्सिंग स्टेशन पे भेजे इस तरह के ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर आंसर है पूरी रात लाइट जली रहेगी आपकी नज़रें लगातार मरीज पर रहेंगी इधर उधर भटकेगा तो पॉसिबल है टकरा जाएगा दीवार से हेड इंजरी हो जाएगी तो उसको कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखना है तो एक क्वेश्चन आता है पेशेंट वार्ड में डिलीरियस हो जाए तो क्या करना है आंसर है कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखना है नेक्स्ट है यहां पर दवाई कौन सी देंगे आप खुद बता दो साइकोसिस पढ़ रहे हो साइकोसिस पढ़ रहे हैं साइकोसिस में कौन सी दवाई देंगे आंसर है एंटीसाइकोटिक एंटी साइकोटिक में कौन सी दवाई दे सकते हैं हेलोपेरिडोल हेलोपेरिडोल में एक आध क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिए हेलोपेरिडोल में एक आध क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिए हैं देखो एक क्वेश्चन आता है कौन सी दवाई इंजेक्शन को जेड ट्रैक मेथड से देते हैं क्वेश्चन का आंसर जाता है हेलोपेरिडोल ऐसी तो कौन सी दवाई है जिससे मैक्सिमम ईपीएस होता है ऐसी कौन सी दवाई है जिससे मैक्सिमम ईपीएस होता है इसका भी आंसर है दैट इज द तो यहां दवाई देंगे पेरिडोल जिसको जेट ट्रैक मेथड से इंजेक्टेबल दे सकते हैं इससे मैक्सिमम ईपीएस होते हैं या फिर सीपीजेड भी दे सकते हैं सीपीजेड पर अभी क्वेश्चन बता दिया सबसे पहले खोजी जाने वाली फर्स्ट एंटीसाइकोटिक दवाई कौन सी है आंसर है सीपीजेड सीपीजेड बोले तो क्लोर प्रोमेजी क्लोर प्रोमेजीन तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गए कौन से टॉपिक से डिलीरियम से किसका डिसऑर्डर कॉन्सियसनेस का कैसी होगी कॉन्सियसनेस क्लाउडेड यह रिवर्सिबल एक्यूट है, है छह महीने से कम कौन सा हेलुसिनेशन कॉमन विजुअल हेलुसिनेशन मरीज को डिलीरियम हो जाए तो नर्स को क्या करना है कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखना है दवाई देंगे हेलोपेरिडोल जिससे मैक्सिमम ईपीएस होते हैं जेड ट्रैक मेथड से यह दवाई दी जा सकती है या फिर देंगे अपन सीपीजे डिलीरियम के बाद अगली बीमारी कौन सी आएगी डिमेंशिया देखें डिलीरियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिमेंशिया और डिमेंशिया में पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं सुने आप डिमेंशिया का मतलब ओल्ड एज के अंदर ब्रेन के श्रिंक होने की वजह से सेल एट्रोपी होने की वजह से यानी कि कुछ ऐसा बदलाव आए जिससे ब्रेन में डिजेनरेशन हो गया सत्तर पिचत्तर अस्सी साल के बाद जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी मेमोरी डेफिशिएट होने लग जाती है हर चीज को भूलने लग जाते हैं टीवी का रिमोट कैसे चलाना है उनसे पकड़ना नहीं आता अपने साइन करना नहीं आता टीवी को देखते हैं तो जो सामने एक्टर एक्ट्रेस आ रहे हैं उनका नाम भूल जाता है ये भूल भुलैया वाली जो बीमारी है इसका नाम होता है डिमेंशिया इस पर्टिकुलर डिमेंशिया को बोलते हैं एल्जाइमर डिमेंशिया तो जो डिमेंशिया वाली समस्या है या डिमेंशिया वाली बीमारी है वो सामान्यतः ओल्ड एज के अंदर डेवलप होती है हालांकि यंग एज में भी हो सकती है यदि कोई और कारण हो जाए तो पर सबसे कॉमन तरह का डिमेंशिया होता है एल्जाइमर डिमेंशिया आप सारे के सारे साथियों ने पिक्चर देखी होगी उरीदा सर्जिकल स्ट्राइक काफी पॉपुलर थी उरी सर्जिकल स्ट्राइक उस सर्जिकल स्ट्राइक उरी मूवी के अंदर जो एक्टर था विकी कौशल उसकी मदर को दिखाया गया और उसकी मदर में जो बीमारी दिखाई गई थी वो थी एल्जाइमर कौन सी बीमारी थी एल्जाइमर तो डिमेंशिया भूलने वाली बीमारी है तो डिमेंशिया किसका डिसऑर्डर होता है आंसर है मेमोरी का आंसर है मेमोरी का कौन सा डिमेंशिया सबसे कॉमन तरह का है एल्जाइमर डिमेंशिया एल्जाइमर डिमेंशिया सबसे कॉमन तरह का डिमेंसिया यह बीमारी क्या रिवर्सिबल है आंसर है नो इर रिवर्सिबल है ट अचानक से होगा या धीमे 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 से डेवलप होगा एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एल्जाइमर डिमेंशिया में कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर में बदलाव आएगा क्वेश्चन का आंसर है एसिटिल कोलिन क्वेश्चन का आंसर है एसिटिल कोलिन तो इसमें बनने वाले क्वेश्चंस देख लें आप दूसरी बीमारी जिसका नाम है डिमेंशिया भूल भुलैया वाली बीमारी है ऐसा नहीं भूल भुलैया पिक्चर वाली बीमारी है भूल भुलैया पिक्चर के अंदर तो डी था डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बिल्कुल सही जा रहे हैं रोहित चिंटू के दादाजी अब यहाँ पर चिंटू का एग्जाम्पल देने का समय नहीं है एग्जाम्पल तो पचासों हैं परंतु समय का अभाव है इसलिए पिन पॉइंट की बात कर रहे हैं ये बातें अपन क्लास में करेंगे डिमेंशिया किसका डिसऑर्डर है आंसर है मेमोरी का इसका ऑनसेट होगा यह है irreversible बीमारी है इसका ड्यूरेशन छ महीने से ज्यादा होगा और इंपॉर्टेंट बात कौन सा हेलुसिनेशन विजुअल विजुअल हेलुसिनेशन होगा डिलीरियम में भी विजुअल हेलुसिनेशन और डिमेंशिया में भी विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन टाइप का डिमेंशिया कौन सा है आंसर है एल्जाइमर डिमेंशिया उदा सर्जिकल स्ट्राइक में था जो एक्टर था उसकी मदर को था एल्जाइमर डिमेंशिया कौन सा न्यूरो अफेक्ट होगा आंसर है एसिटिल कोलिन आंसर है एसिटिल कोलिन अफेक्ट होगा नेक्स्ट चूंकि वैसे फोर ए जो क्वेश्चन आता है वो सिज़ोफ्रेनिया का आता है फोर ए क्वेश्चन जो आता है सिज़ोफ्रेनिया का आता है परंतु वर्तमान में इसके भी आने लग गए वर्तमान में फोर में यह भी पूछा जाने लगा है ध्यान रख लेना इसके फोर एम ए शामिल है एमनेशिया, एमनेशिया बोले तो मेमोरी कम हो जाएगी लॉस हो जाएगी अफेजिया लैंग्वेज डिस्टर्बेंस होंगे पूरा प्रोनंसिएशन नहीं हो पाएगा पर्टिकुलर जो बोलना चाह रहा है वर्डिंग्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा लैंग्वेज डिस्टर्बेंस एप्रेक्सिया जानी पहचानी एक्टिविटी को करने में असमर्थ होना रिमोट से टीवी कैसे चलाऊं पेन कैसे पकड़ के साइन करूं ये नहीं आता दैट इज द एप्रेक्सिया जानी पहचानी चीजों को सेंसरी इंप्रेशन से नहीं पहचान पाना एग्नोसिया पिक्चर चल रही है अमिताभ बच्चन की आवाज आ रही है पर वो आवाज मैंने हजारों बार सुनी है बट अब मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा जानी पहचानी चीजों को सेंसरी इंप्रेशन से नहीं पहचान पाना यह कहलाता है एग्नोसिया रिमोट नहीं चला पा रहा हूं एप्रेक्सिया लैंग्वेज डिस्टर्बेंस है अफेजिया और लॉस ऑफ मेमोरी होना एमनेशिया दीज आर दोर ऑफ एल्जाइमर फोर ऑफ एल्जाइमर कमलेश बिल्कुल एल्जाइमर डे 21 सितंबर वेरी गुड बेटा यहां एक क्वेश्चन और आता है इन एल्जाइमर वाले मरीजों में अटेंशन कॉन्शियसनेस मेमोरी बहुत सारे कंपोनेंट इंपेयर हो जाते हैं उसका एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसका नाम है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कॉग्नेटिव फंक्शन के लिए अपन चेकआउट करते हैं अब क्या है कॉग्नेटिव फंक्शन बहुत वाइड वर्ड है अभी केवल याद रख लेना कोग्नेटिव फंक्शन के लिए करते हैं तीस नंबर का पेपर लेते हैं मरीज को बिठाकर और अलग अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं तुम कहां पर बैठे हुए हो कौन से फ्लोर में कौन सी कंट्री है कौन सा स्टेट है कौन सा फ्लोर है कौन सा सीजन चल रहा है कौन सा मंथ चल रहा है कौन सा दिन है कौन सा ईयर है बहुत सारे क्वेश्चनिंग करते हैं तो तीस नंबर का पेपर होता है तीस में से यदि चौबीस से तीस नंबर आ जाए आप और मैं उस पेपर को देंगे तो चौबीस से तीस आएंगे वो नॉर्मल कॉग्निशन कहलाता है इससे कम आना कॉग्नेटिव इंपेयरमेंट कहलाएगा तो जब आप एल्जाइमर वाले से वो पेपर दिलाएंगे तो उसका स्कोर हमेशा 24 से कम आएगा इसका मतलब कॉग्नेटिव इंपेयरमेंट मरीज में डेवलप हो गया है तो ध्यान रखने वाला क्वेश्चन एल्जाइमर डिमेंशिया या डिमेंशिया में स्पेशल एग्जामिनेशन कौन सा होगा आंसर है एमएमएससी एमएमएससी बोले तो मिनी मेंटल मिनी मेंटल मेंटल स्टेटस स्टेटस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन किसके लिए करते हैं कॉगनेटिव इंपेयरमेंट के लिए कितने नंबर का पेपर बता रहा हूं तीस नंबर का नॉर्मल स्कोर आप और मैं दे तो कितना आए चौबीस से तीस एल्जाइमर वाला देगा तो उसका स्कोर कम आएगा बिल्कुल इसकी भी कैटेगरी है माइल्ड मॉडल मॉडरेट और सीवियर ध्यान रखना एल्जाइमर में जांच करते हैं एमएमएससी को ठीक करने के लिए दी जाने वाली दवाइयां एं, कहलाती हैं इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ऑप्शन में आए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एल्जाइमर ड्रग इन ड्रग का नाम ध्यान रख लेना डॉन टैक्रिन गैलेंटेमाइन डीज आर एंटी एल्जाइमर ड्रग उसके अलावा चूंकि साइकोसिस हेलुसिनेशन है, हो रहा है केस में तो अपन एंटी साइकोटिक दवाई भी यहां पर देना चाहेंगे तो एंटी दवाई हेलोपेरिडोल दे सकते हैं दो क्वेश्चन बता दिए मैंने आप आपको इसमें जेड ट्रैक मेथड है सबसे ज्यादा ईपीएसएस और उसके अलावा दे सकते हैं अपन सीपीजे तो ये दो बीमारी कंप्लीट होती हैं पहली वाली हो गई डिलीरियम दूसरी हो गई डिमेंशिया ये जो सीट लिख रही है उतारने की जरूरत नहीं है जिस दिन लास्ट क्लास होगी कल या परसों में उसके बाद ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लास्ट टाइम में इसका रिवीजन कर सकते हैं और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा और मूड डिस पर अपन बात करें तो साइकेट्रिक के फील्ड का सबसे बड़ा डिसोफ्रेनिया सबसे बड़ा मानसिक रोगी जिसको बोले वो सीजोफ्रेनिक पेशेंट जिसको बिल्कुल भी सेंस नहीं होता है इंसाइट नहीं होती है बिल्कुल जिसको अपन कंप्लीटली मेंटल इल पेशेंट बोले वो सीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट होता है सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं या सीजोफ्रेनिया टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उन पर यदि डील करें अपन दैट इज दीजोफ्रेनिया फंक्शनल साइकोसिस स्टार्ट कर दिया है सीजो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेनिक का मतलब होता है माइंड देखो माइंड में स्प्लिट आना माइंड ही तो सब कुछ है माइंड में ही होता है कॉन्सियसनेस थॉट एक्टिविटी परसेप्शन, जजमेंट इनसाइट उसी में यदि किसी भी तरह की पैथोजेनिसिटी आ जाए दैट इज द फ्रेनिया तो माइंड में स्प्लिट आना सीजोफ्रेनिया ये नाम याद रखना है ये इसके पीछे लगा हुआ है सीजोफ्रेनिया नाम दिया था पॉल यूगेन ब्लूअर ने सीजोफ्रेनिया नाम पॉल यूगेन ब्लूअर ने दिया था कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर में बदलाव आता है डोपामीन देखें ये डोपामीन पर क्वेश्चन बता देता हूं मैं हेलुसिनेशन होने के लिए कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर जिम्मेदार है आंसर देना है डोपामीन डिलुजन के लिए कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर जिम्मेदार है आंसर देना है डोपामीन साइकोसिस के लिए कौन सा न्यूरो जिम्मेदार है आंसर देना है डोपामीन सीजोफ्रेनिया के लिए कौन सा न्यूरो जिम्मेदार है आंसर देना है डोपामीन इन सारी कंडीशन में डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है क्या बोला मैंने हेलुसिनेशन डिलुजन साइकोसिस सीजोफ्रेनिया सबका एक ही आंसर है डोपामीन और डोपामीन का लेवल बढ़ जाए अलग अलग तरीका होता है सीजोफ्रेनिया चार तरह का सीजोफ्रेनिया यहां लिखा है और भी इसके सब टाइप होते हैं तो सीजोफ्रेनिया में वन इज द दिंपल सीजोफ्रेनिया पेरेनोइड सीजोफ्रेनिया सीजोफ्रेनिया और कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया सिंपली एक एक मिनट में इनका मीनिंग जान ले पर्सन अपने आप को पूरे समाज से अलग कर ले अपनी ही दुनिया हो खुद अपने से ही बात करने लगे मिरर गेजिंग हो जाए सारी की सारी एक्टिविटी का लॉस हो जाए और अपनी अलग दुनिया बसा ले दैट आर द सिंपल सीजोफ्रेनिया इंसान बड़ा हो गया बड़ा हो गया पैंतीस साल का है पर अब बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाए कार्टून देखकर ताली बजाकर तेज तेज हंस हंसता है चलते चलते किसी को लगा देता है स्लैप लगा देता है बड़ा होने के बाद बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाना हैबेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिक एक पर्टिकुलर इंसान जिसको लगता है सारी दुनिया मेरे खिलाफ है मुझे मारना चाहती है मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है मेरे घर वाले मेरे खाने में जहर मिला के देते हैं दैट इज दैरेनोइड सीजोफ्रेनिया और एक पर्टिकुलर केस जिसमें पर्सन या तो बहुत ज्यादा वॉयेंट हो जाता है या स्टूपरस हो जाता है दैट इज द कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया अपने आप को समाज से अलग करके अलग दुनिया बसाना सिंपल सीजोफ्रेनिया बड़ा होने के बाद वापस से बच्चा बन जाना है सारी दुनिया मेरे खिलाफ मुझे मारना चाहती है पेरेनोइड सीजोफ्रेनिया और एक कैटाटॉनिक सीजोफ्रेनिया जिसकी दो फॉर्म होती है स्टूपर और एक्साइटमेंट इन चारों सीजोफ्रेनिया में बनने वाले क्वेश्चन क्वेश्चन है सिंपल सीजोफ्रेनिया अभी मैंने बताया पर्सन सोशली विड्रॉल हो जाता है अलग दुनिया बसा लेता है चारों सीजोफ्रेनिया में क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया आंसर आएगा पेरेनोइड सीजोफ्रेनिया ये चारों ऑप्शन में है तो आंसर आएगा पेरेनोइड सीजोफ्रेनिया पेरेनोइड सिजोफ्रेनिया का मोस्ट मार्क फीचर सेवन स्टार क्वेश्चन डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन अभी पढ़ाया भी था मेरे घर वाले मेरे खाने में जहर मिलाते हैं मेरे पानी में जहर मिलाते हैं मुझे मारने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें की जाती हैं मेरी वाइफ मेरे खिलाफ है मदर मेरे खिलाफ है फादर मेरे खिलाफ है इस तरह का सोचने लग जाना रिश्तेदार मेरे खिलाफ हैं और मुझे लगता है अब तो डॉक्टर आप भी मिल गए हो सब मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं दैट इज द डिलूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन बताओ ये विश्वास पहली बात तो गलत है और गलत होने के साथ साथ फिक्स भी हो गया है तो डिलूजन बन गया डिलूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन इसका मोस्ट मार्क फीचर होता है यहां पर क्वेश्चन आता है एक पेशेंट है जो कहता है नर्स से कि खाने को ले जाओ मैं नहीं खाऊंगा इस खाने में आपने जहर मिला दिया है कौन सा फीचर शो कर रहा है आंसर है डिलूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन क्वेश्चन आता है पेरेनोइड सीजोफ्रेनिया का पेशेंट जिसको डिलूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन है वह खाने को रिफ्यूज करता है खाना नहीं खा रहा है आप क्या करेंगे कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक अपनाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर जाता है आप उसको एक्सप्लोर करो आप उसको एक्सप्लोर करो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो और खुद साइलेंट हो जाओ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो और खुद साइलेंट हो जाओ अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे घर वाले मारना चाहते अच्छा उन्होंने मारने के लिए क्या क्या किया है इस तरह के क्वेश्चन करने हैं आप कतई नहीं बोल सकते कि नहीं तुम्हारे घर वाले सही है तुम्हें नहीं मारना चाहते अगर ऐसा बोल दिया तो समझ जाओ साजिश में तुम भी शामिल हो जाओगे कल से तुमसे भी बात करना बंद इसका जनरल मतलब है कि आपको वहां पर उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं और चुप हो जाना है अब वहां पर जो मरीजों के लिए पचास थाली आई हैं, आपको खड़े होकर बोलना है तुम्हारा मन करे जो थाली उठा लो जहर नहीं मिलाया हुआ है, तुम अपनी चॉइस की थाली ले सकते हो या फिर उसको डब्बा बंद फूड देना है ताकि उसको वहम नहीं रहे इस तरह की केयर करनी पड़ती है जब कौन सा डिलूजन डेवलप हो जाए डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे कॉमन तरह का सीजोफ्रेनिया होता है पेरेनोइड सीजोफ्रेनिया बड़ा होने के बाद बच्चा बन जाना बिहेवियर करने लग जाना इसको अपन हेबेफ्रेनिक बोलते हैं सबसे वस्ट प्रोग्नोसिस होता है इसका कितनी ही ईसीटी लगा लो ईसीटी कोई काम नहीं करेगी इसमें ईसीटी कोई भी काम नहीं करेगी वस्ट प्रोग्नो होता है इसको एक और नाम देते हैं एक बार पूछा गया है इट इज आल्सो नोन एज इस सिज़ोफ्रेनिया को डिसऑर्गेनाइज सीजोफ्रेनिया भी कहा जाता है बत्तीस साल वाला इंसान थम सकिंग करता है छोटी छोटी सी बात पर रोने लग जाएगा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगा बच्चों की तरह हंसने लग जाएगा कहीं भी स्प्लिट कर देगा कहीं भी नूड हो जाएगा अपने क्लोथ को उतार देगा इस तरह का व्यवहार कहलाता है, है इसका सबसे वर्ष प्रोग्नोसिस होता है बड़ा होने के बाद इंसान बच्चा बन जाता है लास्ट अपन बात करें कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया इसकी दो फॉर्म होती हैं एक होती है स्टूपर म्यूट और मोशन लेस हो जाता है एक होता है कैटाटोनिक एग्जाइटमेंट जंगली जानवर की तरह व्यवहार करता है वॉयलेंट हो जाता है खुद को और दूसरे को नुकसान पहुंचाता है देखने में सबसे खराब लग रहा है ये वाला परंतु यहां पर याद रखना है कि ये जो सीजोफ्रेनिया है इसमें ईसीटी लगाओ दवाई दो पंद्रह दिन में मरीज रेस्पॉन्ड करता है तो चारों सीजोफ्रेनिया में सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस चारों तो सीजोफ्रेनिया में सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस कौन से सीजोफ्रेनिया का होता है आंसर है कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया चारों सीजोफ्रेनिया में बनने वाले क्वेश्चन सबसे कॉमन कौन सा पेरेनॉइड कौन सा फीचर मिलेगा डिलूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन कैसा व्यवहार होगा बच्चों जैसा सबसे खराब प्रोग्नोसिस किसका है इसी का व्यवहार बच्चों जैसा होगा सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका है आंसर है कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया दूसरा क्वेश्चन आता है सीजोफ्रेनिया में से इसके सिम्टम सिम्टम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं दिमाग में रख लेना फिक्स और बेहद इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन आता है फोर ए सिम्टम जो बार बार पूछा जाता है फोर ए का मतलब चार ए से शुरू होने वाले सिम्टम है दूसरा पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम तो जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसके अनुसार तो युगेन ब्लूअर ने इसके फोर ए सिम्टम बताए इनको फंडामेंटल सिम्टम बोलते हैं इन्होंने बताया कि यह सीजोफ्रेनिया के हर केस में मौजूद हो सीजोफ्रेनिया के हर केस में मौजूद होंगे आजकल इसको फॉलो नहीं करते हैं आजकल पढ़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम ये लेट लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है पर ये फोर ए आपके एग्जाम में पीछा नहीं छोड़ता बार बार आता है दिमाग में रखना है फोर ए में एक ए है ऑटिज्म अपनी दुनिया अपने सवाल अपने जवाब अभी अपन ने डिस्कस किया था थॉट का डिसऑर्डर है दूसरा है एसोसिएटिव लूजनेस मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा आसमान नीला है मुझे आज खाना नहीं खाना ये टेबल यहाँ क्यों रखी है मुझे सफाई बहुत पसंद है इस तरह की बात करता है पांच आइडिया बोले जिनका आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है दैट इज द एसोसिएटिव लूजनेस एक ही इंसान में दो अलग तरह की फीलिंग का मौजूद होना कहलाता है रोने वाली जगह पर हंसना और हंसने वाली जगह पर रोना मुझे कोई जोक सुनाएगा मैं हंसूंगा मुझे कोई सैडनेस वाली या ट्रॉमेटिक बात कहेगा मैं रोऊंगा यह होगा अफेक्ट ए प्रॉपर अफेक्ट ए प्रॉपर यहां लिखा हुआ है अफेक्ट इन ए प्रॉपर सिज़ोफ्रेनिया वाले मरीज को आपने जोक सुनाया वह रोने लग गया उससे कहा पूछा आपने कि यार तुम्हारे पिताजी कैसे एक्सपायर हुए जोर जोर से हंसने लग गया देन वट इज अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट तो दीज आर सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया बोले तो ऑटेज में एसोसिएटिव लूजनेस एम्बी बैलेंस अफेक्ट इन एप्रोपर दिमाग में छाप लेना बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फोर ए सिम्टम यूगेन ब्लूअर के द्वारा दिए गए थे अशोक सुमन एमबी बैलेंस परिचित नहीं बेटा एमबी बैलेंसित में नहीं है परिचित में था डिसोसिएटिव आइडेंटिटी थारिया है डिसोसिएटिव रिएक्शन है एमबी बैलेंस बोले तो दो अपोजिट फीलिंग का एक ही इंसान के अंदर मौजूद होना एम्बी बैलेंस कहलाता है उसमें दो पर्सनैलिटी थी अलग अलग दो नहीं तीन पर्सनैलिटी थी आजकल जो क्वेश्चन आता है सीजोफ्रेनिया पर वो क्वेश्चन आता है इसके क्लिनिकल फीचर में आजकल इससे फॉलो करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम बहुत ही सिंपल सा फंडा बताता हूं आपको आपका मेरा व्यवहार है नॉर्मल आपका मेरा व्यवहार है नॉर्मल यदि कोई सिम्टम आपके ऑप्शन में दिया जाए और आप पढ़ के ये अंदाजा लगाएं कि व्यवहार नॉर्मल से बढ़ गया ऊपर हो गया पॉजिटिव सिम्टम होगा अगर सिम्टम दिया हुआ है आपको लगे व्यवहार नॉर्मल से कम हो गया नेगेटिव सिम्टम होगा चार ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा सीजोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम बताओ या सीजोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम बताओ तो उन चार में से आपको पढ़ के ये अंदाजा लगाना है नॉर्मल से ज्यादा है तो पॉजिटिव सिम्टम है नॉर्मल से कम है तो नेगेटिव सिम्टम है फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है देख लो आप कुछ भी नहीं है फिर भी कुछ दिख रहा है हेलुसिनेशन पॉजिटिव सिम्टम डिलूजन फॉल्स फिक्स बिलीफ होना कोई नहीं मारना चाहता फिर भी लग रहा है पॉजिटिव सिम्टम हिंसा करना एग्रेशन में आना एक्साइटमेंट में आना इनको पढ़ के आपको क्या लग रहा है नॉर्मल से ज्यादा है या नॉर्मल से कम है तो सीधी सी बात नॉर्मल से ज्यादा आर द पॉजिटिव सिम्टम इधर देखो आप अफेक्ट का कम हो जाना ब्लंट अफेक्ट और ज्यादा कम हो जाना फ्लैट अफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाना लॉस ऑफ कंप्लीट इमोशन इज अथी उसके अलावा स्टूपर म्यूट और मोशनलेस हो जाना प्लीजरेबल इमोशन का खो जाना पड़ोसी का कोई फादर बच्चे का फादर एक्सपायर हो गया पांच साल से देख रहे हैं अपना दिमाग कहता है यार जब से पांच साल हो गए इसके पिताजी एक्सपायर हुए हैं इसके चेहरे की हंसी चली गई दैट इज द एनीडोनिया केवल प्लीजरेबल इमोशन का लॉस हो जाना एनीडोनिया कहलाता है आप इनको देख के यूं बताएं कि यहां पर जो पर्टिकुलर फीचर है व्यवहार है वो नॉर्मल से कम हो रहा है या बढ़ रहा है कॉमन सी बात है कम हो रहा है कॉमन सी बात है कम हो रहा है तो व्यवहार का नॉर्मल से कम हो जाना नेगेटिव सिम्टम और नॉर्मल से बढ़ जाना पॉजिटिव सिम्टम तो चार ऑप्शन आएंगे पूछेगा सीजियोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम बताओ या सीजियोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम बताओ रटना नहीं है बढ़ जाए तो पॉजिटिव और कम हो जाए तो नेगेटिव सिम्टम तो अगला क्वेश्चन ये आता है इज दैट क्लियर आगे बढ़े सीजियोफ्रेनिया वाले का इलाज क्या करेंगे तो ईसीटी तो लगाएंगे ही लगाएंगे पर ध्यान रहे अभी मैंने बोला है सिजोफ्रेनिया साइकेट्रिक का सबसे बड़ा डिसऑर्डर है क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेशन ऑफ ईसीटी मेजर डिप्रेशन सिजोफ्रेनिया मेनिया एंजाइटी यानी ये चार अलग-अलग आ जाएं तो दिमाग ऐसा कह सकता है कि यार सिजोफ्रेनिया सबसे बड़ा बीमारी है इसमें देंगे नहीं ईसीटी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है हमेशा डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट का चुनाव करना है तो आंसर ईसीटी तो ईसीटी इसमें भी दे सकते हैं बट एक नंबर पे बात करें तो किसमें देते हैं डिप्रेशन में आगे बढ़े साइको साइकोफार्मेकोलॉजी जिसका मतलब होता है दवाई अब चूंकि साइकोसिस पढ़ा रहा हूं मैं आपको तो दवाई देंगे यहां एंटी साइकोटिक तो एंटी साइकोटिक दवाइयां दो तरह की होती हैं टिपिकल और एटिपिकल टिपिकल और एटिपिकल इन दोनों में अंतर है जो पुरानी वाली दवाइयां हैं वो तो टिपिकल है और जो नई वाली दवाइयां हैं वो एटिपिकल और इनके अंदर अंतर है टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक दवाइयां होती हैं इन टिपिकल दवाइयों का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है यह है डोपामीन के लेवल को ब्लॉक करती हैं इसलिए इनको डोपामीन ब्लॉकर बोलते हैं इन दवाइयों का जो एक्शन है वह है डोपामीन पर भी होता है और सिरेटोनिन पर भी होता है डोपामीन पर भी होता है और सिरेटोनिन पर भी होता है तो यह पुरानी दवाई है नई दवाई ये केवल डोपामिन को कम करेंगी ये डोपामीन और सिरेटोन दोनों पर एक्शन करेंगी इसके एग्जाम्पल है कई बार आ चुके हैं ये नई वाली दवाइयों के एग्जाम्पल हैं ओलिंजापाइन रेस्पेरिडोन और क्लोजापिन ओलिजापाइन रेस्पेरिडोन और क्लोजापिन अब इसमें क्वेश्चन ये आता है ये दवाइयां याद रखनी आगे भी आएंगी कि सीजोफ्रेनिया के पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवाइयां देंगे पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवाइयां देंगे तो इसको पटना से याद रखना पटना पी एन ए पी बोले तो पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया आर ट्रीटेड बाय टिपिकल एंटीसाइकोटिक बोले तो ये वाली नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया आर ट्रीटेड बाय एटिपिकल एंटीसाइकोटिक अगर पॉजिटिव सिम्पटम आते हैं तो आंसर है टिपिकल ये वाली और नेगेटिव सिम्टम को ट्रीट करना है तो आंसर है ये वाली बोले तो ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक का चुनाव करते लास्ट ईयर 2021 में पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गए थे आईसीडी के सीजोफ्रेनिया मेनिया डिप्रेशन को आईसीडी के अनुसार कितने टाइम ड्यूरेशन में डायग्नोस करेंगे तो किसी भी इंसान को सीजोफ्रेनिया कहने के लिए उसको बीमारी के सिमटम मिनिमम कितने दिन के होने चाहिए आंसर है चार वीक आईसीडी के अनुसार मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सीजोफ्रेनिया आंसर है वीक मेनिया और डिप्रेशन का भी पूछा गया था लास्ट ईयर तो पूछा जा सकता है मिनिमम ड्यूरेशन कितना है वीक तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सीजोफ्रेनिया सीजोफ्रेनिया में सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने डिस्कस कर लिया यहां सीजोफ्रेनिया में मैंने आपको पढ़ाया है नाम पॉल यूगिन ब्लूअर ने दिया है मिसप्रिंट हो गया ब्लूअर है नाम डोपामिन का लेवल बढ़ेगा सबसे कॉमन पेरेनॉइड होगा बच्चों जैसा व्यवहार हैबेफ्रेनिक में होगा बेस्ट प्रोग्नोसिस कैटाटोनिक का होगा नेक्स्ट अपन ने बात की फोर ए सिम्टम दिमाग में छाप लेना जैसे भी याद हो जाए दिमाग में छाप लेना ये चारों के चारों सिम्टम्स फोर ए सिम्टम में काउंट होते हैं अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आता है सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स यदि नॉर्मल से ऊपर हो तो पॉजिटिव नॉर्मल से नीचे हो तो नेगेटिव सिम्टम और यहां पर दवाइयां जो देते हैं एंटी साइकोटिक दो तरह की हैं टिपिकल एटिपिकल जिनको याद रखना है आपको पटना के नाम से दैट इज द मीनिंग ऑफ सीजोफ्रेनिया इज दैट क्लियर साइकोसिस का डिस्कस कर रहे हैं साइकोसिस में मैंने आपको ऑर्गेनिक साइकोसिस में बताया डिलीरियम डिमेंसिया देन फंक्शनल साइकोसिस में पढ़ाया सीजोफ्रेनिया अब नेक्स्ट है मूड डिसऑर्डर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर की अपन यूजुअली बात करें उसके अंतर्गत आते हैं मेनिया और डिप्रेशन उसके अंतर्गत आते हैं मेनिया और डिप्रेशन मेनिया डिप्रेशन में अपन बात करें तो मेनिया के कुछ पर्टिकुलर फीचर हैं मेनिया वाले मरीज को अपन मेनिक एपिसोड बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं इसमें एलिवेशन ऑफ मूड का सिम्टम डेवलप हो जाता है नेक्स्ट अपन बात करें तो डिलूजन ऑफ ग्रैंडो जो मैंने बता दिया साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएंगी ध्यान रखने वाला पर्टिकुलर पॉइंट है इनमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है इनमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है ध्यान रहे डिलीरियम डिमेंशिया में विजुअल हेलुसिनेशन है और यहाँ पर ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है तो मेनिया में पहला फीचर होता है एलिवेशन ऑफ मूड साथ में इसमें साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएंगी ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा और कौन सा डिलूजन देखने को मिलेगा डिलूजन ऑफ ग्रेंडोसिटी यहां पर सिंपल भाषा में समझाऊं तो पर्सन हवा में रहता है उसको लगता है मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं मैं बहुत बड़ा हो गया हूं मुझे बहुत कुछ मिल गया है भगवान ने ऊपर वाले ने विशेष शक्तियां दे दे दी हैं जिससे मैं आने वाले जीवन में कुछ भी कर सकता हूं दैट इज द फीचर ऑफ मेनिया आईसीडी में अब चूंकि इसके कई सारे टाइप होते हैं आईसीडी के अनुसार इसकी मिनिमम ड्यूरेशन इसको डायग्नोस करने की हाइपोमेनिया हाइपोमेनिया का मतलब होता है लेस देन मेनिया आईसीडी के अनुसार चार दिन तक फीचर आए तो हाइपोमेनिया बोल देते हैं मेनिया को डायग्नोस करने का मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है सेवन डेज और मेनिया में ड्रग ऑफ चॉइस अपन इस्तेमाल करते हैं लिथियम थेरेपी ये जो लिथियम थेरेपी है पर्टिकुलर इसकी पूरी वीडियो ये लिथियम में से एक एक शब्द में क्वेश्चन आते हैं पूरी की पूरी वीडियो आपको यहाँ यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी जहां पर मैंने लिथियम थेरेपी पढ़ाई है अभी समय बहुत है लिथियम थेरेपी के सारे क्वेश्चन देख लेना बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें मैंने पूरा पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है जैसे ईसीटी ईसीटी के वीडियो देख लेना लिथियम थेरेपी के देख लेना तो लिथियम थेरेपी का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं नेक्स्ट अपन बात करें लास्ट साइकोसिस जिसका नाम है डिप्रेशन अगर डिप्रेशन माइल्ड फॉर्म में है तो इसको एक और नाम से जानते हैं डिस्थाइमिया जस्ट अपोजिट है मेनिया का उधर एलिवेशन ऑफ मूड हो रहा था इधर सैडनेस ऑफ मूड होगा उधर था डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इधर होगा डिलूजन ऑफ गिल्ट हर बात में स्वयं को के ऊपर दोषारोपण करेगा मेरे पास कुछ नहीं बचा डिलूजन ऑफ पुवर्टी मेरी कोई वैल्यू नहीं है डिलूजन ऑफ वर्थलेसनेस मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है हेल्पलेसनेस साइको मोटार एक्टिविटी कम हो जाएगी ध्यान रखने वाली बात यहां भी कौन सा हेलुसिनेशन ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा मेनिया में फ्लाइट ऑफ आइडिया है यहां होगा पुअर्टी ऑफ आइडिया यहां होगा पुअर्टी ऑफ आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोथ आर द डिसऑर्डर ऑफ मूड ये मुझे नहीं लगता कभी आप बोल सकते हैं बोथ आर द डिसऑर्डर ऑफ मूड बोथ आर द डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट और इमोशन क्योंकि जो चैप्टर चालू करते थे वो मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर से चालू करते थे एक और क्वेश्चन आया हुआ है ओमेगा साइन यहाँ माथे पर इस तरह के ओमेगा का निशान बन जाता है उसको ओमेगा साइन बोलते हैं ओमेगा साइन देखने को मिलता है कौन सी बीमारी में डिप्रेशन नेक्स्ट अपन बात करें इसका ट्रीटमेंट इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा ईसीटी। ईसीटी का एक नंबर पे इंडिकेशन बताऊं तो वह डिप्रेशन होता है सीजोफ्रेनिया से भी पहले डिप्रेशन आता है साथ में इसमें दवाइयां देंगे दवाइयां देंगे एंटी डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट में दवाई दे, देंगे अपन एसएसआरआई क्या होती हैं, आगे डिस्कस करेंगे बोले तो सेलेक्टिव इनहिबिटर और साथ में देते हैं एंटीसाइकोटिक आप खुद बताएं मेनिया एंड डिप्रेशन आर पार्ट ऑफ साइकोसिस इसलिए यहां पर दवाई इस्तेमाल करते हैं अपन एंटी क्लियर तो ये पहला आपका पोर्शन कंप्लीट होता है जिसका नाम है साइकोसिस जिसका नाम है साइकोसिस क्या बताया मैंने एक मिनट में समेराइज करके बताऊं दो तरह के मानसिक रोग साइकोसिस न्यूरोसिस अस्पताल में भर्ती हैं तो साइकोसिस खुद जाकर दवाई ले रहे हैं तो न्यूरोसिस इंसाइट एबसेंट होगी जो अस्पताल में भर्ती हैं कोई भी मानसिक रोगी अपने आप को मानसिक रोगी नहीं मानता यही है इनसाइट एबसेंट न्यूरोसिस वाले को पता है मुझे क्या समस्या है तो साइकोसिस न्यूरोसिस साइकोसिस फिर दो तरह का होता है ऑर्गेनिक साइकोसिस और फंक्शनल साइकोसिस ऑर्गेनिक साइकोसिस फिर दो तरह का है डिलीरियम और डिमेंसिया फंक्शनल साइकोसिस फिर दो तरह का है, है मेनिया और मूड मूड डिसऑर्डर डिसऑर्डर में दो बीमारियां हैं मेनिया और डिप्रेशन तो मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया है कौन कौन से पॉइंट बताए डिलीरियम डिमेंसिया सीजोफ्रेनिया मेनिया डिप्रेशन यह एक छोटा सा प्रयास था वो प्रयास इस वजह से जिस साथी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई है अनटच है जिसके लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग उसको यदि इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में से किसी तरह का क्वेश्चन आएगा थोड़ा घुमा फिरा कर भी आएगा तो इनसे आप रिलेट कर सकते हैं जो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए इसके अलावा भी आप कंसेप्ट जोड़कर इसको ऐड कर सकते हैं तो ये आज का क्लास में मेरे हिसाब से बहुत हो चुका आखिर कब तक लगातार चलता रहेगा तो आपका काफी सारा नेट चला गया आप सारे के सारे साथी जुड़े शायद थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको आने वाले भविष्य में मिले क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रुथ बात बोलूंगा कि टोटल ये बात की जाए कि इसी में से सारा कुछ आ जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है बट जिस साथी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी अब चूंकि एक ही लेक्चर में सारा कुछ करा दिया जाए ऐसा भी नहीं उम्मीद कि आप इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करना चाहोगे ऐसा नहीं कि आप लगातार ही रिवाइज करते रहें इनको दस बीस बार पढ़ें ऐसा नहीं है सिर्फ़ एक बार आप रिवाइज कर लें ये शॉर्ट नोट्स आपको जैसे तैसे पहुंचा दिए जाएंगे नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत इज़ दैट क्लियर तो आज के अभी के लिए इतना ही बहुत सारा नेट आपका चला गया कल अपन फिर से मिलते हैं और साइकोसिस से आगे वाली बात अपन स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के लिए दो लाइन बता दी मैंने बेटा डरना नहीं है आपको किसी भी हाल में मंजिल मिल ही जाएगी तुम्हें भटकते भटकते ही सही अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से अब तक निकले ही नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आने वाले दस दिन के लिए तैयारी करो ऊपर वाला अपने साथ है मां बाप का आशीर्वाद अपने साथ है निश्चित तौर पर अपन को सफलता मिलेगी इतना भी मत डरो जो आने वाले दस दिन में पढ़ाई खराब हो जाए छोटी सी नेगेटिव बात करना चाहूंगा सबसे बुरा क्या होगा बुरा से बुरा क्या होगा तो एक ही वर्ड नहीं होगा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा दोबारा पढ़ूंगा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा दोबारा पढ़ूंगा पहली प्रायोरिटी इसी में नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं दैट्स ऑल अब उसको इतना एंजाइटी में लेना मरनी मारनी का सवाल बना देना कि नहीं कुछ भी हो जाए ये उससे आपका तनाव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है जिससे जो आता है उसमें भी अपन गलती कर जाते हैं ये निश्चित तौर से मेरी बात को गांठ बांध लेना आते हुए क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती समस्या ये है कि अपन से आते हुए क्वेश्चन जो पढ़े हुए हैं अच्छे से आते हैं वो भी गलत होते हैं वहां से अपन को सिलेक्शन में डिफीट मिलती है तो पॉजिटिव बन के रहें आने वाले दस दिन आपके हैं निश्चित तौर पर आपको आने वाले टाइम में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपके परिवार का भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है ओके सारे के सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए फिर से मिलते हैं बचा हुआ पोर्शन अपन कंप्लीट करते हैं ओके थैंक्स टू ऑल